आज की दोस्तों गोल्ड की स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। तो गोल्ड जो है वो मैं बाय कर सकता हूँ मिनी के हिसाब से, अगर ये 50,575 के ऊपर चलता है मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 350 का। अगर हम ये 575 के ऊपर चलते हैं तो अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है, और फिर हमें 50,750 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हमारा 50% प्रॉफिट जो है वो मेरा बुक हो जाएगा। उसके बाद 75-80% 875 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर चलते तो 975-51-150 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर कोई मिनी में काम करता है तो आप जो है वो ये लेवल जो है वो फॉलो कर सकते हो, अगर मेगा में काम करते हो तो इसके हिसाब से जो डिफरेंस हो 150-200 रुपये का वो आप ऊपर नीचे करके वो लेवल के साथ भी आप जो है वो पेपर ट्रेड कर सकते हो। आज जो है वो दोस्तों मैं गोल्ड को सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो है वो 50,300-400 के ऊपर वो स्ट्रांग है, जब तक ये 49,900-49,700 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये स्ट्रांग बनेगा, तब तक मैं अपना जो सेल है वो अवॉइड करूंगा। हालांकि 50,200-250 का लेवल आज देखने को मिल सकता है, फिर भी जो है वो हम वेट करेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की मेरी सिल्वर की बातचीत दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद।